8 बजे। तो रात में मेरे को प्रैक्टिस करते टाइम गर्मा गर्म दूध मिल जाता है, तो फटाक से मैं अपना गर्मा गर्म दूध पी लेता हूँ, क्योंकि दूध पीना बहुत लाभदायक है रात में, और जल्दी से मैं प्रैक्टिस करना चालू कर देता हूँ। फ्यूचरिंग प्रैक्टिस जो मैं रात में करता हूँ, क्योंकि इट्स माय हैबिट। सो गाइस, रात में सूचरिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि शांति रहती है रात में, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, मन शांत रहता है, और आप आराम से प्यार से सूचरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसीलिए मैं रात में सूचरिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। तो सूचरिंग करते करते मेरे को लगभग बज चुके हैं 10, 10:30 बज चुके हैं, तो अब मैं सोने जाऊँगा, क्योंकि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात 11 बजे। ठंडी में सोने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन जाना तो है क्लिनिक सुबह उठ के। सुबह 7 बजे। वैसे तो मैं उठता हूँ 5 बजे, लेकिन थोड़ा लेट नाइट सूचरिंग प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं उठा हूँ 7 बजे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। 7:30 बजे। तो उठने के बाद सबसे पहले तो मेरे को चाहिए चाय। चाय की चुस्की है बहुत ज़रूरी। चाय की चुस्की मारने के बाद मैं अपने सूचर किट को पैक कर लेता हूँ सूचर बैग में पैक कर लूँगा, और पैक करने के बाद इसको मैं अपने बैग में रख लूँगा, ताकि क्लिनिक पे अगर कभी मैं फ्री टाइम में सूचर प्रैक्टिस कर सकूँ। सुबह 8 बजे। तो बैग पैक करने के बाद मेरे पास आ जाता है गर्मा गर्म नाश्ता, जो कि है पराठा और सब्जी। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हो जाता हूँ क्लिनिक जाने के लिए, लेकिन सबसे पहले मेरे को अपना टिफ़िन पैक करवाना ज़रूरी है। तो कल का टिफ़िन मैं निकाल के रख देता हूँ, और आज का टिफ़िन मैं पैक करवा देता हूँ। तो मम्मी टिफ़िन पैक कर चुकी है मेरा, और अब ये मेरे बैग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। गर्मा गर्म दाल चावल बन गया है, माँ के हाथ का खाना, वो भी ऑफिस में खाना, बहुत मज़ेदार, आनंद ही आनंद। तो मम्मी ने ये बैग पैक कर दिया है और ये मेरे बैग में रख दिया है। जा रहा हूँ मैं। सुबह 8:30 बजे। सो गाइज, मैं चल दिया हूँ अपने चौक की तरफ पे, जहाँ पे मेरा एक ऑटो वाला इंतज़ार कर रहा है। जलवा है हमारा। ऑटो जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही हमको लगने लगती है ठंडी, पर क्या करें, सहना ज़रूरी है, मौसम ही कुछ ऐसा है। बीच रास्ते में हमको मिलता है काली मंदिर, जिसके दर्शन मैं आपको अभी करवा देता हूँ। आप लोग प्लीज़ आशीर्वाद ले लीजिए काली मंदिर का, और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। तेज़ी रफ्तार से हम लोग आ गए हैं मधेपुरा, और यहाँ पे आप देख सकते हो पुल्ला को हम क्रॉस कर रहे हैं। इस पुल को क्रॉस करते ही मेरा क्लिनिक आ जाएगा सामने में। गाइस, मैं अपने क्लिनिक के पास पहुँच चुका हूँ, आप राइट साइड में देख सकते हो मेरा क्लिनिक। फ्रॉड लड़का है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई लग नहीं करना है। जलते हैं सब मुझसे, जलते हैं सब यूट्यूबर से।